दरभंगा नगर निगम के सभागार में मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के द्वारा फ्री दंत शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी सहित नगर निगम के उपमहापौर नाजिया हसन ने अपने दांतों का कराया यहां जांच एवं डॉक्टरों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश का भी इन्होंने पालन करने की बात कही। बड़ी संख्या में एक कर्मचारी भी यहाँ आकर अपने दांतों का फ्री चेकअप करवाया एवं आवश्यक दिशा निर्देश डॉक्टरों के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में उपमहापौर ने कहा कि यह अच्छी बात है, दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों को यहाँ फ्री चेकअप किया जा रहा है दांतों का, ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं कॉलेज प्रशासन एवं प्रबंधक को धन्यवाद देता हूँ कि समय निकाल कर इन्होंने नगर निगम में आके इस प्रकार का कैंप लगाया। इन्होंने कहा कि आमजनों के बीच में भी जाकर आप कैंप लगावें। इस संबंध में आइए सुनाते हैं उपमहापौर ने क्या कहा, वही जो दंत चिकित्सक हैं उन्होंने क्या कहा, वही नगर निगम के जो एक कर्मी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से, मनोज झा। यहाँ किस चीज़ का इलाज कराने आए थे, कौन सा जगह? ये दरभंगा नगर निगम हुई और ये दांत में जो स्मेल आ रहा था उसका इलाज करवाने के लिए आए। यहाँ तो क्या कहा गया? यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर नहीं होगा, वो जो गार्ड फैन लगा हुआ उसी में अति होगा, साफ सफाई होगा। कहाँ के कर्मचारी हैं आप? दरभंगा नगर निगम। क्या नाम है? अमरनाथ कुमार। पहचान दांतों से होती है, यहाँ एक कैंप लगाया गया है, आपने भी आके यहाँ अपना जांच करवाया, क्या कहेंगे आप? जी आज मिथिला हमारा जो कॉलेज है एकमी पे वहीं की टीम है, वहीं से ये कैंप लगा हमारे नगर निगम में हमारे सफाई कर्मियों के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पप्पू का है जो बहुत अच्छे से अपनी टीम को अपने नगर निगम के सभी स्टाफ का केयर करते हैं, आशा सब मैडमों का केयर करने के लिए बुला रही कि आके चेक करवा लीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सुबह से ये कंटिन्यू लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। धन्यवाद के पार क्या ये कि अपना कीमती समय निकाल करके इन्होंने अपने निगम को दिया है, और यही कहना चाहती हूँ एक मतलब समय निकाल के इंसान की खूबसूरती दांतों से भी होती है। ये आज भी मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था लेकिन मैं कुछ कारणवश से मैं खुद कंसल्ट नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन आज मुझे सारी दुआएं बेस्ट विशेष दूंगी। और इनकी टीम का सबसे बड़े सराहनीय है कि ऐसे हर जगह पर जाकर के हर मोहल्ले कस्बे में जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे आप फ्री कैंप लगाए और पब्लिक को फ़ायदा भी अवेयरनेस के लिए या लोगों को स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपने जो शिविर लगाया क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले ज़रूरत है कि अवेयरनेस होना चाहिए, और जब अवेयर होगा तभी आदमी उस पर ध्यान देगा कि उसको कुछ दिक्कत है या नहीं। और सब किसी को हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि हर कोई जानता है कि दांत बचाना चाहिए, लेकिन सबको एक ही बात बोलते हैं कि समय के अभाव के कारण हम इलाज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन कम से कम एक मिरर लाइफ में जो है ना, चेहरे को देखने के साथ साथ यदि आप दांत को देखते हो तो ज़िंदगी में कभी दांत का नुकसान नहीं होगा। और हम लोग यहाँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए आए थे। मैम की बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और एक कैंप ऑर्गेनाइज किया कि ताकि सब। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के तरफ से ये शिविर लगाने का उद्देश्य इसलिए है कि हमारे जो कर्मचारी जो कहीं ना कहीं पान गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू से ग्रसित है और उसके मुंह से बवाद आना, खून निकलना, दांतों में दर्द करना, इसको लोग अनदेखा कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अनदेखा न करे, तत्काल अपने चिकित्सीय परामर्श और इस तरह के जो कैंप लगते हैं उस कैंप के माध्यम से अपने दांतों की समुचित इलाज करा सके।